पिछले कई वर्षों से कमलानगर के अलका कुंज निवासी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। क्षेत्रीय लोगों ने हो रही समस्याओं का लेकर जानकारी देते हुए शहर के महापौर और क्षेत्रीय पार्षद के साथ नगर निगम के अधिकारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। ताजनगरी आगरा के कमलानगर क्षेत्र में आने वाले अलका कुंज कॉलोनी वासी काफी लंबे समय से क्षेत्र में पसरी अव्यवस्थाओं को लेकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों ने प्रातः दर्पण न्यूज को हो रही समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि कॉलोनी में आने वाली सड़क पिछले कई वर्षों से खराब पड़ी हुई। हालांकि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके शहर के महापौर व क्षेत्र के पार्षद क्षेत्र की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई। क्षेत्रीय पार्षद रवि शर्मा और शहर के महापौर नवीन जैन द्वारा कई बार आश्वासन तो दिए गए, लेकिन समस्या का समाधान कोई न कर सका। लोगों ने बताया कि कॉलोनी के अंदर आने वाली सड़क काफी लंबे समय से खराब पड़ी हुई है। जरा सी बारिश में सड़क में हो रहे गड्ढों में पानी भर जाने के कारण निकलने में काफी समस्याएं उत्पन्न होती है। सड़कें नहीं बन पा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को और लेडियों को, आने आने में बहुत समस्या है और ये काफी टाइम से बन नहीं पा रही है। कई बार करिए लेकिन हमारे पास से नहीं बनवाते, समस्या तो काफी टाइम हो गए। जाते साथ दे दिए, काम चल जाए, जब आएगा नंबर बनवा देंगे। समस्या यही है, सड़क नहीं है बनी है करीब, मैं समझता हूँ 15 साल से सड़क नहीं बनी है यहाँ की, और 2-4 दफे तो मैं भी गिरने से बच गया हूँ, बच्चे भी गिर जाते हैं, लग जाती है काफी, और इस पर हमारे पार्षद महोदय ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, केवल वोट मांगने आते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ना कोई यहाँ का MP ना MLA इस कॉलोनी की तरफ कोई ध्यान नहीं, सकल नहीं की है जब से जीते हैं। अच्छा, बिल्कुल कभी नहीं आए 5 साल के अंदर। महापौर जी कहते हैं कि हमने शहर में बहुत विकास, बिल्कुल नहीं, अपने उन्होंने जो अपने एरिया में खड़ा होगा अलका कुछ कॉलोनी के अंदर उन्होंने आज तक सकल नहीं दिखाई है। कब से समस्याओं का सामना, 15 साल से रोड नहीं बनी है। अलका कुंज कॉलोनी की महिलाओं ने भी क्षेत्र में पहली फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि अलका कुंज कॉलोनी की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, कई वर्षों से क्षेत्र में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। नाली के पानी की निकासी भी सही तरीके से नहीं होने के कारण गंदा पानी नालियों में ही भरा रहता है, जिसके कारण बीमारी फैलने वाले मच्छर भी उत्पन्न होते हैं। सड़क में जगह जगह गड्ढा होने की वजह से कॉलोनी में खेलने वाले बच्चे और बुजुर्ग कई बार घायल हो चुके हैं। क्षेत्रीय पार्षद रवि शर्मा को कई बार अवगत कराया गया है। पार्षद महापौर द्वारा विभाग को भी कॉलोनी की समस्या से अवगत कराया गया है। महीनों बीत जाने के बाद भी और क्षेत्रीय पार्षद शहर के महापौर के कार्यकाल खत्म होने के बावजूद भी विभागीय अधिकारियों का उनकी कॉलोनी की ओर कोई ध्यान नहीं। मेरा नाम मंजू है, यहाँ की कॉलोनी बहुत गंदी है जी। तो मतलब गड्ढे भरे हुए हैं सारे, 8-10 साल हो गए, देखते देखते कोई सफाई नहीं होती है। सपोज गड्ढों में पानी, बारिश हो जाती पानी भरता है, घर की सफाई होती है उनका पानी भर जाता है गड्ढों में, फिर वो छींटा पड़ते हैं, उनकी गाड़ी निकलती है उनसे, सब बच्चे सब गिरने का डर रहता है। तो क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या बुलानी है, मैं अलका कुंज निवासी हूँ, पर यहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं और परेशानियाँ इतनी होती हैं, हद से ज्यादा, ना बच्चे साइकिल चला पाते हैं ना कुछ, गिरने की ज्यादा समस्या है, बड़े बूढ़े गिर रहे हैं, पैर टूट रहे हैं सबके। 18 साल हो गए हम लोग को यहाँ पे, पर एक बार भी नहीं बनी है सड़क। कई बार दी है, कई बार बोल के आए हैं, जेंट्स जाते हैं रोज सुबह 8-10 जाते हैं 15-20 दिन में, हाँ हो जाएगा चिंता नहीं करिए, पर आता कोई नहीं है यहाँ पे। एप्लीकेशन हमारी जाती है, साइने होती है, वहाँ पहुँचती है, पर काम कोई नहीं होता है। नाम बोलो कौन? किसके किसको दिया था आपने एप्लीकेशन? रवि शर्मा को। यहाँ पर मुझे आए भी करीब 11-12 साल हो गए, लेकिन मैं जब से ऐसी रोड देख रही हूँ जिससे कि मतलब रोड ना तो बनने का नंबर आता है। सारे जो हम लोगों की कॉलोनी के मेंबर्स हैं वो सब पार्षद जी के पास जा चुके हैं कई बार, लेकिन एप्लीकेशन दे चुके हैं, और रोड बनने के लिए कभी कोई देखने भी नहीं आता कि कैसी रोड है, क्या कंडीशन है, नालियाँ सारी बंद है, नालियाँ भी रुकी हुई है, उनकी कोई निकासी नहीं है, गेट लोगों के बाहर बड़े हुए हैं वो नहीं हटाने के उसमें है फेवर में, बाकी पार्किंग की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि और बच्चे आए दिन मतलब अपनी कॉलोनी में ना खेलकर उनमें बच्चों को बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए, क्योंकि इतनी गंद रहती है, टूटी हुई सड़कों के चक्कर में गिरने का डर रहता है, पोटियाँ इतनी रहती है कि बच्चे कुत्ते इतने पोटियाँ करते रहते हैं गंदी सड़कों को देखकर, और ज्यादा गंद फैलती है। सफाई कर्मचारी जो प्राइवेट बने हुए हैं वही आते हैं, यहाँ के नगर निगम की तरफ से कोई नहीं आता है, बाकी नॉर्मल जो रोज का है जो वही करता है, नहीं वो कभी यहाँ नहीं आए हैं। हमारे आसपास की कॉलोनियों की सड़कें बन चुकी है कई बार, बट यहाँ पर 10-15-20 साल हो गए होंगे, कभी भी इस रोड का बनने का नंबर नहीं। सूत्रों की माने तो महापौर नवीन जैन द्वारा कॉलोनी की समस्या नगर निगम अधिकारियों तक पहुँच गई। टेंडर प्रक्रिया का हवाला देते हुए नगर निगम के लापरवाह अधिकारी कॉलोनी की समस्या से पिंड छुड़ाते हुए नजर आए।
क्षेत्रीय पार्षद और शहर के महापौर अपना 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल भी पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन कॉलोनी की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। विभागीय अधिकारी कॉलोनी की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब देखना होगा कि फिर कमलानगर के अलका कुंज कॉलोनी में वासिंदों को कब तक इस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।